पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अ सॉलिड बॉल. सॉलिड बॉल का मतलब क्या है? इट इज अ स्फेयर ना. ओके, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, और सॉलिड बॉल इज, इट इज नथिंग बट अ स्फेयर. तो आपको स्फेयर की डायमेंशंस दिए, तो यू शुड नो द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, सपोज दिस इज अ स्फेयर. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मेक अ 3D डायग्राम. और ये स्फेयर का क्या होता है? रेडियस. ये सारे रेडियस ही हैं इस तरीके से. ओके, 3D डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो एक सॉलिड गोल्ड बॉल है जिसका रेडियस आपको दिया है. रेडियस इज हाउ मच गिवन टू यू? स्फेयर का 7 सेंटीमीटर. ओके, एंड इट वॉज मेल्टेड. इसको मैं मेल्ट करूँगा. इट इज मेल्टेड. ओके, मेल्टेड इन टू अ वायर ऑफ डायमीटर. नाउ वायर इज अ काइंड ऑफ सिलेंडर ओनली. आप इसको एक वायर मानिए सपोज. ठीक है, सपोज दिस इज अ वायर. ठीक है, इस वायर का डायमीटर इज गिवन टू यू 0.2. ओके, 0.2 का हाफ करोगे यू विल गेट द रेडियस. तो ये जो डायमीटर है दैट इज गिवन टू यू. ये जो पूरा डायमीटर है इट इज गिवन टू यू. हाउ मच डायमीटर इज गिवन टू यू? 0.2 सेंटीमीटर. ओके, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर. लेंथ का मतलब है यू हैव टू फाइंड हाइट. दिस विल ओनली द लेंथ ऑफ द वायर. ओके, सो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर. वेरी इजी. सो यू शुड नो द फॉर्मूलाज. ओके, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज आने चाहिए. चलो अच्छा, अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अब क्या करेंगे? सो नाउ सी, अब देखो दोनों का वॉल्यूम विल गोइंग टू सेम. ठीक है, एक ही मैं एक ही 3D फिगर को मैं मेल्ट करके दूसरा 3D फिगर बना रहा हूँ. सो दे विल हैव अ सेम वॉल्यूम. अच्छा, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की बात करूँ, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? हु विल गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? 4 into कोन का हम लोग ने वॉल्यूम देखा था. सो 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर इंच. ठीक है, सो दिस वॉल्यूम वी हैव टू इक्वेट. हमें सिर्फ ये वॉल्यूम इक्वेट करना है. ठीक है, सो हेयर विल गेट. क्यों वॉल्यूम क्यों सेम होगा? वाई द वॉल्यूम विल बी सेम? क्योंकि एक वॉल्यूम को मेल्ट करके हमने दूसरा वॉल्यूम फॉर्म किया, आप ये कह सकते हैं. या एक बॉल को मेल्ट करके हम लोगों ने, वी हैव ड्रॉन दैट बॉल इन टू अ वायर. ठीक है, तो सो दिस विल गोइंग टू बी 4/3 पाई. आई विल नॉट सॉल्व पाई. इंटू आर, आर यहाँ पर कितना है? 7. सो 7 × 7 × 7. ठीक है, आई विल नॉट सॉल्व. ओके, और यहाँ पर वॉल्यूम विल बी पाई आर. रेडियस इज हाउ मच? डायमीटर इज 0.2. ओके, ओके, सो 0.1 विल बी इंटू, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/10 × 1/10 × h. ओके, हमारा जो मेन फंडा है वो h निकालना है. तो क्योंकि वही तो पूछा, लेंथ ऑफ द वायर इज नथिंग बट द हाइट. सो बीइंग द वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम विल बी सेम. इफ द वॉल्यूम विल बी सेम देन सो इट विल गोइंग टू बी 4/3 पाई इंटू 7³. 7 × 7 × 7 इज इक्वल टू पाई 1/10 × 1/10 × h. ओके, और यहाँ से h निकाल लो. सबसे अच्छी बात तो क्या है, पाई पाई विल गेट कैंसिल. इसलिए मैंने वैल्यू नहीं रखी पहले. ठीक है, आई हैव नॉट पुट द वैल्यू, क्योंकि पाई की वैल्यू तो कैंसिल जाएगी. ओके, सो h विल गोइंग टू बी नाउ, h विल गोइंग टू बी नाउ 4 × 7 × 7 × 7 × 100/3. ओके, जस्ट हैव टू सॉल्व इट. ओके, क्रॉस मल्टी, व्हाट आई हैव डन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो दिस विल गोइंग टू गिव मी, एच विल बी
7 4 28 इंटू 7 7 49 इंटू 100 अपॉन 3, ठीक है? तो मैं पहले कर लेता हूँ 28 इंटू 29, सो ट्वेंटी सॉरी 28 इंटू 49, 8 9 72 कैरी 7, 9 2 18, 19 20 21 22 23 24 25, ओके 9 2 18, 18 + 7 विल गोइंग टू गिव यू 25, इंटू 8 4 32, 4 2 8, 9 10 11, इट विल गोइंग टू गिव यू 273, 1 3 7 2, ओके? सो 1 3 7 2 अपॉन 3 इंटू 100, ओके? तो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड दिस बाय 3, पहले इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? सो 3 4 12, 1 7 3 6, नहीं नॉट 3 6, 3 5 5 3 15 एंड 22 एंड 7 3 ओके 7 3 21, ओके एंड द रिमाइंडर विल बी 1, पॉइंट लगा दूंगा तो 0 आ जाएगा, 3 3 9, ओके? तो सो 457.33 समथिंग, ओके? सो इट विल गोइंग टू गिव मी 457.33 इंटू 100, ओके? सो ओके वी हैव डन द कैलकुलेशन एज वेल, ओके? एंड 457.33 एंड इट विल कम सी द यूनिट, ठीक है? सेंटीमीटर्स में है, ओके? इट इज यूनिट इज इन सेंटीमीटर, ठीक है? हम लोग चाहें तो उसको मीटर्स मीटर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके? वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इन, सो इट विल बी इन सेंटीमीटर, ओके? हम चाहें तो उसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, इट इज इन सेंटीमीटर, ओके? अब आपको पता ही है सेंटीमीटर और मीटर का क्या रिलेशन है, यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट, ओके? वी कैन इवन चेंज इट इनटू मीटर्स, ठीक है? सो इन मीटर्स एज यू ऑल नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर विल बी 1/100, 100 से 100 कैंसिल, इट विल गोइंग टू गिव यू 457.33 मीटर्स, ओके? इट विल गोइंग टू कम इन मीटर्स देन, ओके?